Now we are going to start with the new topic, that is death of a party. अब डेथ ऑफ ए पार्टनर के टाइम क्या क्या देंगे? कैपिटल बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल डेट ऑफ डेथ, ओके, फिर ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे टिल डेट ऑफ डेथ, ओके, फिर गुडविल शेयर, ओके, टिल डेट ऑफ डेथ जो गुडविल आपकी कैलकुलेट हुई है उसके शेयर, फिर पी एंड एल अकाउंट टिल डेट ऑफ डेथ, ओके, फिर क्या मिलेगा, जनरल रिजर्व का शेयर ओल्ड रेशो में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का शेयर प्रॉफिट ओल्ड रेशो में, ओके, तो ये मिलेंगे हमारे पास, ओके। अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो है ये दो तरीकों से कैलकुलेट होता है, एक टाइम बेसिस पे और दूसरा टर्न ओवर बेसिस, ओके। तो हम पहले समझते हैं टाइम बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हम करते हैं इलस्ट्रेशन क्रिएट है हमारे पास। क्या कह रही है इलस्ट्रेशन क्रिएट, कि हमारे पास एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, के की डेथ, ए डाइड ऑन 30th जून, ठीक है जी, 2018। And according to the agreement, share of profit of a deceased partner to the date of death is to be calculated on the average of last 5 years. So, profit share is calculated on the basis of average profit of 5 years, ठीक है जी। तो अब इसमें उसने दो कोर्स दे दिए, इफ देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, कितना है एवरेज प्रॉफिट, 14,000, 18,000, 16,000, 10,000 का लॉस है, 32, 48, 38, तो ये 10,800 आ गया। अब इसके बेसिस पे आप प्रॉफिट कैसे निकाल दो, किल डेट ऑफ डेथ 10,800, पहले तो उन्होंने कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दे रखी तो 1/3, अब वो कब डेथ हुई है 30 जून को, तो 3/12, 3600, ए का शेयर कितना हो गया 900। अब जरा एडजस्ट करनी है दो केसेस में, पहला
जब प्रॉफिट शेयरिंग चेंज नहीं है, और दूसरा व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग चेंज है, जब चेंज नहीं है तो एमपी क्या करेंगे, पीएनएल सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। और जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग है तो गेनिंग रेशियो निकाल लो, थ्री बाय फाइव माइनस वन बाय थ्री, टू बाय फाइव माइनस वन बाय थ्री, और ये गेनिंग रेशियो आ गई। अब गेनिंग रेशियो में बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू एज कैपिटल अकाउंट 900 को 401 में बांट लो, 180 तो ये हमारे पास है टाइम के बेसिस पे कि पहले आपने क्या किया, प्रॉफिट का एवरेज निकाला, फिर उसको उसका शेयर से डिवाइड किया, फिर उसको जितने टाइम के लिए वो था वो कर दिया। तो दिस इज हाउ प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट मिलेगा पीएनएल सस्पेंस। और इसमें एंट्रीज क्या है, अगर तो कोई चेंजेस नहीं किए तो आपने पीएनएल सस्पेंस वे हो जाएगा, अदरवाइज आपके गेनिंग रेशियो में। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, 59 में क्या कह रहे हैं, एबीसी 3-2-1 में है, ठीक है जी। The firm closes its books on 31st March. B की डेथ होती है 12 अंगों की, ओके। और B की डेथ वाले दिन गुडविल इवेल्यूएट होती है, गुडविल वैल्यूड ऑन B's डेथ, मतलब उसकी डेथ के बाद गुडविल वैल्यू हो गई कितने की, 60,000 एंड द प्रॉफिट एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज प्रीवियस ईयर ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे मतलब कितना है 1.5 लाख रुपए, इसके बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर ली। तो आ जाओ, अब आपके पास इसमें क्या कह दिया, इतने का है तो गुडविल है, बी 4,000 ट्वेंटी हो जाएगी, कितना है 20,000 4,000 ठीक है जी। तो ये आ रहा है अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस, 1,50,000 उसकी डेथ 12 जून को हुई है,
73 डेज बन गए और दूसरा कितना दस हजार बच गया। यहाँ एंट्री क्या कर देंगे क्योंकि चेंज नहीं हो रही है प्रॉफिट शेयरिंग, तो दिस इज हाउ ओके। ये उसका हिस्सा दे दिया गया है ओके। अब हम चल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ठीक है जी। अब टर्नओवर के बेसिस क्या है, सारा सीता एंड मीना वर पार्टनर्स 2-1, ठीक है जी। सारा डाइज ऑन 30-2, बुक्स आर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डेट सारा रिप्रेजेंटेटिव वुड बी एंटाइटल्ड टू इंटरिम प्रॉफिट ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब ये सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट होना है, सेल्स एंड ऑन प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर कितना है 6,01,80,000 ओके। ठीक है जी, तो देखो टर्नओवर बेसिस का फॉर्मूला क्या होगा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर सेल इनटू करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है जी। ये है टिल डेट ऑफ डेथ, अब सारा की डेथ जब हुई है ओके, तो 6,00,000 की प्रीवियस ईयर की सेल थी और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 1,80,000। अब करंट और करंट ईयर की प्रॉफिट सॉरी करंट ईयर के सेल्स, करंट ईयर का सेल्स है टिल डेट ऑफ डेथ 1,20,000, ठीक है जी। फिर फॉर्मूला क्या था, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर सेल इनटू करंट ईयर सेल, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 1,80,000 तो ये 6,00,000, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा 36,000 रुपए का क्या है करंट ईयर प्रॉफिट, ईयर प्रॉफिट टिल डेट ऑफ ओके।
अब 36,000 में उसका शेयर निकाल लो, सारा शेयर 2/5 14,400, ये टिल डेट ऑफ डेथ है सारा का शेयर। ओके जी, अब इसमें आपने कोई भी नई एंट्री नहीं की है, नई चेंजेस नहीं लेके आए हो प्रॉफिट लॉस की रेशियो में, तो एंट्री हो जाएगी P&L सस्पेंस टू सारा आपके पास टर्नओवर बेसिस पे आ जाएगा। ओके, ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप? टर्नओवर बेसिस फाइन, तो ये आपके पास 60,000। अब हम चलते हैं 61,000। आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास डेनिश आना एंड प्रांजल, फाइव रेशो 3:2। देयर बुक्स वर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। डेनिश डाइड ऑन 30th September। He was entitled to his share of capital, goodwill का हिस्सा, his share of profit, amount payable to Danish was transferred to his executor। ठीक है जी, चलो सीधा हम डी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जनरल एंट्री फाइन। क्या मिल रहा है उसे? बाय बैलेंस ओके, तो कितना मिल रहा है? 5,00,000 की उसकी कैपिटल मिल रही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या मिलेगा उसे? गुडविल का शेयर। फर्म की गुडविल कितनी है? 60,000 की। फर्म की गुडविल कितनी है? 60,000। तो डैनिश का शेयर हो गया 4,000, 5,000, 30,000, 20 क्या कर देंगे? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2D's कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है जी, बाकी क्या रह गया? 3:2, 5 से 12,000। तो ये तो आ गया आपके पास पॉइंट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय एज कैपिटल बाय पी कैपिटल। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ओके, टर्नओवर के बेसिस पे उसका प्रॉफिट का हिस्सा मिलना। ठीक है जी, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 2000 मार्च 2019 2,00,000, प्रॉफिट ऑन द सेम ईयर। तो देखो जी, टर्नओवर बेसिस पे है तो सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 10% है। ठीक है जी, सेल्स शोज ए ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%,
तो करंट ईयर सेल्स क्या है? ट्वेंटी परसेंट का ग्रोथ दिखा दिया, ठीक है। फाइन, एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन न्यू कह रहा है 1% गिर रही है। तो ये होगी करंट ईयर का प्रॉफिट। अब डी का शेयर कितना हो गया? फाइव बाय टेन, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा टेन आ जाएगा, और टिल डेट ऑफ डेथ कितना आ गया? 10,800। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का। अब उन्होंने कोई प्रॉफिट लॉस के चेंज नहीं की रेशियो, फाइन। यहां पे लिख देंगे बाय पी एंड एल सस्पेंड कितना 54,000 ऐड कर लो, 535,400 टू दीज एग्जीक्यूटर्स। तो एंट्री क्या आ जाएगी? So this is how this question will be done, 61 illustration, ठीक है जी। तो क्या क्या था? 5,00,000 था, 60,000 में से उसका हिस्सा निकाला हमने, 5/10 वो बांट दिया गेनिंग रेशियो में। फिर सेल्स थी कह रहा 2,00,000, प्रॉफिट होगा 20,000 उस पर प्रीवियस ईयर का। अब वो कह रहा है कि जो सेल है इस साल उसका ट्रेंड दिख रहा है कि 20% बढ़ रही है प्रीवियस, तो प्रीवियस 2,00,000 थी तो 20%। तो करंट ईयर सेल कैसे कैलकुलेट हुई? 2,00,000 प्लस 2,00,000 इंटू 20/100, तो 2,00,000 प्लस 40,000 2,40,000, तो ये आ गया। फिर उसने कहा प्रॉफिट जो है वो 1% कम हो रहा है कंपैरेटिव टू सेल, मतलब पिछले साल हमारे पास कितनी थी? ये 10% था प्रॉफिट, अब हमारे पास वो कितना रह गया? 9%। अब करंट ईयर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2,40,000 टू 9%, ठीक है जी। तो ये आता है 21,600 है, इस पे उसका शेयर टिल डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट कर लो तो वो 5,400 आता है, और वो यहाँ पे आपने कैलकुलेट। ओके,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 पर। क्या कह रहे हैं आपके पास जनरल तौर पर कैश स्टॉक इन्वेस्टमेंट ये सारा कुछ दिया हुआ है। सुधा पहले तो सुधा रहीम एंड कार्तिक किस रेशो में चल रहे हैं 3-3-4। किसकी डेथ होती है सुधा की। June 30 ओके। The partnership deed, goodwill of the firm, the value at 2 years purchase of average profit of last 3 years. ठीक है जी। तो एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लें। कितना एवरेज प्रॉफिट 3 years का ठीक है। तो गुडविल आ गई 42,000 × 2 = 84,000 और सुधा का शेयर आ गया 25,200। ठीक है जी। अब यहां से उसका शेयर निकाल लो। उसका शेयर आ गया तो एंट्री हो जाएगी आर कैपिटल अकाउंट एज कैपिटल अकाउंट 7 से डिवाइड कर दें 3:4 7 × 21 = 42.6 कितना आ गया 400। ये तो आपके पास आर के का आ गया। ठीक है जी। अब आपके पास सुधार शेयर ऑफ प्रॉफिट पी एंड एल सस्पेंस कैलकुलेट करो। किसके बेसिस पे है टिल डेट ऑफ सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट करता है। पिछले साल की सेल थी 4 लाख और प्रॉफिट था पिछले साल 1 लाख। 1 लाख प्रॉफिट था पिछले साल और 4 लाख की सेल। इस बार टिल डेट ऑफ डेथ कितनी सेल हो गई 1.5 लाख। ओके। तो ये तो आ गया 37,500 प्रॉफिट इन डेट ऑफ डेथ। अब उसका शेयर कितना है 3/10 ओके। तो ये है तो
11,250 उसका शेयर आ गया, ओके सुबह का। अब उन्होंने क्या प्रॉफिट शेयरिंग चेंज की है? नहीं, तो एंट्री कर देंगे कैपिटल दे रहा है वो 6%। आ जाओ अब एस कैपिटल बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 60। फिर आर कैपिटल एस कैपिटल 10,800, ओके पीएनएल सस्पेंस 10,000 में उसका हिस्सा कितना हो गया? 10,000 में 3/10, ठीक है, ये आ गया आपके पास। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहे हैं, कैपिटल कितनी है? 60,000। कितने महीने तक जिंदा रहा? 3 महीने। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। तो अब आ जाओ कितना हो गया? 25, 85 to 100 और 14, 99 to 100, 99 450 और 10 300। ओके 1,350। अब सुधार का लोन था, मतलब सुधार से हमने पैसे लेने थे कितने? 10,000।